कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी कल की वीडियोस में कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म यहां पे जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट को पता है आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है 30 जुलाई 2023 को रहने वाली है। ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अलावा आप शोभन सिंह जिनेह यूनिवर्सिटी के लिए भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों का फॉर्म एक ही जैसा होता है स्टूडेंट, पेपर पैटर्न सेम ही है। ध्यान देना स्टूडेंट, फिलहाल शोभन सिंह जिनेह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं आया है। और ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जिनेह यूनिवर्सिटी के लिए ग्रुप बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 80 से 90 लोग जुड़ चुके हैं। और देख सकते हैं स्टूडेंट की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं 9536012088, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको मात्र 100 रुपये का शुल्क पे करना है स्टूडेंट। और ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने बता दिया 30 जुलाई को आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया है, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट मिलेगा, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मिलेगा, आपके डाउट्स के आंसर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जब आपका बीएड में एडमिशन होगा तो वहाँ पे आपको फाइल और नोट्स मिलेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, 100 रुपये के पीछे आपके कुमाऊं शोभन सिंह जिनेह यूनिवर्सिटी कंबाइंड ग्रुप स्टूडेंट, शुल्क सिर्फ एक ही बार आपको 100 रुपये पे करना होगा स्टूडेंट। उसके साथ इसका फायदा आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कितना ज़्यादा फायदा मेरे साथ कनेक्ट रहने का आपका होने वाला स्टूडेंट। ध्यान देना स्टूडेंट, आपको बीएड की वीडियोज़ हर कोई यूट्यूबर प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो डाउट्स रहते हैं, स्कॉलरशिप रहते हैं, काउंसलिंग रहता है, उसका एक्सपीरियंस किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं है। चाहे तो आप पूरा उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, अपडेट विद नबू के अलावा आपको बीएड के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं करता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट, मैंने बीएड रिसेंटली यहाँ पे कंप्लीट किया है उत्तराखंड से, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेट का प्लस नोट्स वगैरह का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है KU BEd 2022। ध्यान देना स्टूडेंट, 2022 ही सर्च करना पड़ेगा, 2023 पे ये लिंक नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ध्यान देने स्टूडेंट, लास्ट डेट आवेदन करने की 20 जुलाई 2023 तक रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा स्टूडेंट, ध्यान देना। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है तो 50% आपके यूजी या पीजी में होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है तो 45% आपके यूजी, कहने का मतलब यूजी या पीजी, कहने का मतलब आपका बीए या बीएससी या बीकॉम के कोर्स में होना चाहिए। अगर बीटेक वाले हैं तो 50% कंपलसरी है। और ध्यान देना स्टूडेंट, इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान देना, जो पेयरिंग वाले हैं, कहने का मतलब है जो फाइनल ईयर के पेपर यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हैं, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, तभी देन आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप अपेयरिंग में हैं, देन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपके लिए शोभन सिंह जिनेह यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे नॉर्मली नीचे स्क्रॉल डाउन करना स्टूडेंट, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, यहाँ पे देख रहे होंगे रीड ऑल इंस्ट्रक्शन अप्लाई ऑनलाइन पे, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भरनी है स्टूडेंट। ध्यान देना स्टूडेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही डालना, जो आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल होता है। इन सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो भरोगे वहीं आपका एग्जाम होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कोर्स नेम में ऑलरेडी यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन आ रहा है स्टूडेंट। मैरिटल स्टेटस में ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिट, नहीं हुई तो आपको नेबर मैरिट पर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी पर इंडियन पर सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, ध्यान देना स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप अपेयरिंग में हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो, देन आप यहाँ पे अपेयरिंग के लिए भर पाओगे। अगर आपका कंप्लीट है और अदर यूनिवर्सिटी से, देन आप यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपेयरिंग में हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से नहीं है, तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डोमिसाइल उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते तो यस, तो आपको मूल निवास यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं करते तो नो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी एसटी, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। ध्यान देना उसके साथ साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड भी करना है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नॉर्मली अगर जनरल है तो आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर अगर हो तो यस, नहीं तो नो, एक्स सर्विस मैन हो तो यस, नहीं तो नो, और डिफरेंट एबिलिटी पीएच वगैरह है तो यस, नहीं तो नो। जेंडर आपको सेलेक्ट करना, आर यू इन्वॉल्व एनी पनिशमेंट बाय कोर्ट, आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड्रेस,
एड्रेस का, तो एड्रेस में आप अपना डोमिसाइल का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं जो आधार कार्ड में मेंशन है। सिटी आपको यहाँ पे डालना है, स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उत्तराखंड। उत्तराखंड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे डालना है। पिन कोड के बाद एलिजिबिलिटी, ध्यान देना स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी में ध्यान देना, जो कुमार यूनिवर्सिटी वाले जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टूडेंट अगर अपेयरिंग में है तो कुमार यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका कंप्लीट हो चुका हो तो आपने पासिंग ईयर डालना है, नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ अपेयरिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन अपेयरिंग वालों का ऑप्शन कुमार यूनिवर्सिटी के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको यहाँ पे पीजी, अगर आपने पीजी किया है तो डालना है, नहीं किया है तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप आपको आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपने बीए किया है तो आर्ट्स, बीकॉम किया है तो कॉमर्स, और बीएससी किया है तो साइंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बीटेक किया है तो साइंस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यूजी और पीजी में सेम यही है। अब इसके बाद वेटेज के रिगार्डिंग, तो ध्यान देना स्टूडेंट, पहला वेटेज यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है। अगर आपका स्पोर्ट्स में इनमें से कोई भी वेटेज है, नेशनल या स्टेट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने खेला है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हो एनसीसी और एनएसएस का, तो एनसीसी में देख सकते हैं आप, सी सर्टिफिकेट में 15 नंबर का वेटेज, बी में 10 नंबर का सेम, एनएसएस में सी में 15, बी में 10, और अगर आपने सिर्फ कैंप अटेम्प्ट किया है तो 5 नंबर आपको उसमें मिलेगा। लेकिन ध्यान देने स्टूडेंट, आपको सर्टिफिकेट कंपलसरी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा स्काउट्स का गाइड का भी देख सकते हैं इसमें जो वेटेज है, काउंट है। इसके अलावा डिफेंस कैटेगरी का, अगर आपके पेरेंट्स सेवा सक्रिय कार्यरत है या सेवानिवृत्त है डिफेंस में, अपंग लापता है, उनके पुत्र पुत्री है, तो वो सर्टिफिकेट रिलेशन का जो रहता है वो आपको अपलोड करना है, उसका 15 नंबर का वेटेज मिलेगा। इसके अलावा आपके पास डिफेंस कैटेगरी सेकंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो कैटेगरी स्टूडेंट में, पहले कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपका फ़ायदा मिलेगा। तो पहले कैटेगरी में मेंशन कर रखा है ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या शासकीय सेवानिवृत्त प्रत्यक्ष कर्मचारी हो, अपंग हो, भी लापता हो, इसमें उनको 15 नंबर का वेटेज मिलेगा, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। और दूसरे में देख सकते हैं आप, जो दूसरा वाला है वो बीएसएफ सीआरपीएफ वालों के लिए, उनके लिए भी 15 नंबर का वेटेज है। इसके अलावा जो तलाकशुदा लोग महिला है उनके लिए भी यहाँ पर 15 नंबर का वेटेज है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है फोटो साइन अपलोड का, तो ध्यान देने स्टूडेंट, फोटो साइन कैसे अपलोड करनी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। फोटो का साइन जो मांग रखा है 50 KB से लेकर 200 KB के बीच, साइन का साइज मांग रखा है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच। तो नॉर्मली फोटो साइन के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है स्टूडेंट, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से फोटो साइन लेनी है, उसके बाद गूगल पर सर्च करना है फोटो रिसाइज अप टू 90 KB। जैसे आप 90 KB यहाँ पर सर्च करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फाइल का, सेलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है, अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डाउनलोड का जैसे आप क्लिक करोगे, इमेज रिसाइजर का ऑप्शन आ जाएगा। सेम सिग्नेचर के लिए जो यहाँ पे साइज मांग रखा है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच, तो इसके लिए भी आपको सेम वही लिखना है फोटो रिसाइजर अप टू, जैसे मैं 30 KB ऑनलाइन, ये साइन के लिए स्टूडेंट सेम आपको ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद फोटो साइन यहाँ पे अपलोड करनी है सेलेक्ट फाइल पे, यहाँ पे देख सकते हैं साइन कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका साइन यहाँ पे आप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इमेज रिसाइजर के नाम से ये फाइल आएगी। फाइल आने के बाद आपको फोटो साइन यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपनी फीस जो यहाँ पे है वो यहाँ पे करनी है, जो 1310 रुपये फीस है वो आपको पे करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अभी भी मौका स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 30 जुलाई को आपका पेपर है, तो इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेशन के लिए आपके पास बेस्ट मौका है। कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, जो नंबर है आपको इस पे मैसेज करना है, उसके बाद आपको हर अप टू डेट मेरे साथ प्रोवाइड होगा, क्योंकि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट ये हर चीज आपको प्रोवाइड करना। अनदर क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।